ये हमारा है नया मेहमान। हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। सभी लोगों को गुड इवनिंग, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करता हूँ मैं अभी से। अभी बज चुके हैं 3 और एक खुशखबरी है अच्छी सी, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ खुशखबरी। हमारे बीच आया हुआ है एक नया मेहमान, तो वो मेहमान आप लोगों को डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये हमारा है नया मेहमान जो है, हमारी भैंसिया ने बच्चा दिया है। तो ये देखो, छोटा सा बछड़ा है, छोटा सा। कैसा से नींद ले रहा है, दूध पी के सो गया है। वो डायलॉग नहीं है, दूध पी के मिनी सो गई वो। तो ये भी दूध पी के सो रहा है, पूरे दिन सो रहा है। खड़ा हो, हेलो बोल, हेलो। तो गाइज, सो रही है। ये है पाड़ी, है पाड़ा नहीं है, देख सकते हो आप, फिर से सो गई है। तो आप लोगों को फिर से आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, ये देख सकते हो संदीप है जो स्कूल से आ चुका है, और यहाँ पे जो है रामायण देख रहा है। इसके यहाँ पे पूरे दिन रामायण देखता है, यहाँ पे सोया हुआ है, देख सकते हो पूरे दिन सोता रहता है, पढ़ाई तो करता नहीं है। और स्कूल से आगे सीधा मतलब गुदड़ी के अंदर बढ़ चुका है और फोन देख रहा है, रामायण देख रहा है। चलो तो गाइज, हमारे जो है पशु है, तो एक ये है कालू, फर्स्ट नंबर क्या कर रहे हो, और दो नंबर पे है ये भैंस, और तीन है ये पाड़ी। पहले हमारे घर में 3 थे, अभी हो गए 4। नया मेहमान आया है, देखो सो रहा है, पूरे दिन नींद ले रहा है। तो ये सब लोग आप देख सकते हो। तो गाइस, शाम की चाय बन चुकी है 4 बजे वाली, और ये देखो इसका मुंह, देखो इसका चाय पीने के लिए बहुत तड़प रहा है मुंह। पूरा दिन मिन्नी है जो म्याऊ म्याऊ करती रहती है। क्या कर रहे हो? आजा आजा, कोई नहीं, चले अपन चले, आजा आजा। क्यों बदमाशी कर रही है? बदमाशी नहीं करने का, समझ लिया? आजा आजा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। तो गाइस, ये देखो चाय का कंडीर नंबर 1, पूरा बटका भर भर के चाय पीता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हैं, वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गया, क्या कर रहे हो? तो गाइस, मेरा घर कुछ इस प्रकार से दिखता है, कभी होम टूर भी करवाएंगे तो देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार से है पूरा। चलिए तो भाई, ये कर रहा है इसे उठाने की कोशिश, उठा, दम लगा। उठाओ इसे, ये 1 दिन का है और ये 14 साल का है, 15 साल का हो गया है और ये 1 दिन का है, उठ नहीं रहा इसे। अब उठा लिया है। तो गाइज, फिलहाल हो रहा है सनसेट और यहाँ पे हमारा कालू खड़ा है, और बस आज के लिए इतना ही था। तो गाइज, आज के ब्लॉग के अंदर आपने देखा होगा हमारे घर में न्यू मेहमान आया है, भैंस ने बच्चा दिया, तो मैंने आप सभी लोगों को दिखाया। और ब्लॉग आज कम ही किया थोड़ा बहुत, तो वो मतलब डेली ब्लॉग डालता हूँ, तो आज मैंने कहा यार चलो ब्लॉग तो मतलब कैसे भी करके डालना ही है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया थोड़ा बहुत। और आप लोगों को ब्लॉग हमारे अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो वॉचिंग, बाय गाइज़।